तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लू अर्जुन सर की पैन इंडिया फिल्म यानी कि पुष्पा द राइज के अभी तक के टोटल कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि पुष्पा फिल्म ने अभी तक हिंदी बॉक्स ऑफिस पर से टोटल कितने रुपए की कमाई कर ली है। और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिंदी वर्जन में हिट रही या हो चुकी है फ्लॉप। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि पुष्पा जो कि एक पैन इंडिया फिल्म है जिस फिल्म में देखने को मिल रहे हैं आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन और उनके साथ देखने को मिल रही है रश्मिका मंदाना। और दोस्तों आपको बता दूँ आज पुष्पा द राइज फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 17वां दिन चल रहा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती 17 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर से हिंदी वर्जन में काफी धमाकेदार कलेक्शन कर लिया है। जी हां दोस्तों आपको बता दूं इस फिल्म का जो हिंदी प्रमोशन था वो बिल्कुल भी नहीं किया गया था और इस फिल्म को अपने पहले दिन लगभग 1400 स्क्रीन के आसपास रिलीज किया गया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म को कम स्क्रीन मिले थे, साथ इस फिल्म का जो प्रमोशन था वो बिल्कुल भी नहीं किया गया था, जिसके चलते ये लग रहा था कि पुष्पा द राइज फिल्म हिंदी वर्जन में कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि पुष्पा द राइज फिल्म ने अपने हिंदी वर्जन के कलेक्शन से यहाँ पर सभी को जो है चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म ने हिंदी वर्जन से काफ़ी धमाकेदार कलेक्शन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती 16 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर से हिंदी वर्जन से टोटल नेट कलेक्शन कर लिया है लगभग 56,70,00,000 रुपए का। और दोस्तों आपको कि पुष्पा द राइज फिल्म ने अपने शुरुआती 16 दिनों में ही 56,70,00,000 रुपए का हिंदी टोटल नेट कलेक्शन कर लिया है। और दोस्तों इसी के साथ पुष्पा द राइज फिल्म हिंदी वर्जन में एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो चुकी है। हालांकि दोस्तों बात करें कि यह फिल्म अपने 17वें दिन कितने रुपए का कलेक्शन कर रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज इस फिल्म को काफी सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज भी इस फिल्म को काफी सारे थिएटर्स में इस फिल्म के जो शोज हैं वो हाउसफुल देखने को मिले हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक यह फिल्म अपने 17वें दिन यानी कि संडे को लगभग 5 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर रही है लगभग। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसी के साथ इस फिल्म का शुरुआती 17 ऑल इंडिया टोटल कलेक्शन लगभग 61 करोड़ रुपए का। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि यह फिल्म अपने शुरुआती 17 दिनों में 61,70,00,000 रुपए का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है। और दोस्तों आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि पुष्पा द राइज फिल्म का लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन कितने रुपए का होगा और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म हो पाएगी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।